हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूएई के तरफ से 2024 की पब्लिक हॉलीडेज को अनाउंसमेंट कर दी गई है कैबिनेट के थ्रू। क्या है ये पब्लिक हॉलीडेज, कब पड़ रहे हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल में बताने की कोशिश करूंगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, ट्यूसडे को ही कैबिनेट के थ्रू ये अनाउंसमेंट कर दी गई है कि 2024 की पब्लिक हॉलीडेज क्या रहेंगी यूएई में, ताकि हम आने वाले दिनों की यानी कि 2024 की जो प्लानिंग्स है उसको पहले से कर सकें। और ये जो अनाउंसमेंट की गई है वो इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से की गई है, और जो एग्जैक्ट डेट है आप सबको पता है वो मून साइड के हिसाब से होता है। तो अप्रॉक्स एक डेट यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो शुरू होता है न्यू ईयर हॉलीडे से, जो कि है 1st of January, और ये पड़ रहा है मंडे को, यानी मंडे को छुट्टी की घोषणा की गई है 1st of January न्यू ईयर की। उसके बाद जो आता है वो है ईद उल फितर या ईद की हॉलीडेज, जो कि 9 अप्रैल से 12 अप्रैल तक की बताई गई है। उसके बाद की हॉलीडे होती है अराफा डे की, तो वो है 16 जून से 19 जून तक की बताई गई है। इस्लामिक न्यू ईयर जो है वो July 7 की बताई गई है, यानी कि 7 जुलाई को इस्लामिक न्यू ईयर का डेट आपको पड़ेगा और उस दिन हॉलीडे रहेगा। उसके बाद जो हॉलीडे यहाँ पे आती है वो है प्रॉफिट मोहम्मद बर्थडे, और वो अभी तक डिक्लेयर नहीं की गई है क्योंकि इस्लामिक कैलेंडर में वो अभी तक क्लियर नहीं है कि प्रॉफिट मोहम्मद बर्थडे किस दिन पड़ेगा। उसके बाद जो छुट्टी आती है वो होती है नेशनल हॉलीडे की, 2nd और 3rd December की है। ये हर साल ही 2nd और 3rd December की होती है, तो यहाँ पे छुट्टियाँ ख़त्म होती है जनवरी से लेके दिसंबर तक की। तो ये है पब्लिक सेक्टर्स की हॉलीडे। अब डिपेंड करता है आप गवर्नमेंट में हैं, प्राइवेट में हैं, आपकी कंपनी कब छुट्टी दे रही है, लेकिन ये प्राइवेट की है और मून साइड के हिसाब से ये डेट इधर उधर चेंज भी थोड़े बहुत हो सकते हैं। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।